हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि थ्री पिन टॉप जो है, प्लग जो है, इसका कनेक्शन कैसे करें सही कनेक्शन। जैसे आप देखते होंगे किसी किसी वायर में तीन वायर होते होंगे, किसी किसी केबल में तीन वायर होते होंगे, और इसका कनेक्शन कैसे प्रॉपर तरीके से करें। अगर इसका कनेक्शन आप गलत करते हैं तो आपका जो भी डिवाइस है उसके बॉडी में करंट आ सकता है, जो कि बहुत घातक है। ठीक है, तो एक छोटा सा जरूर है पर ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आप में से बहुत दोस्तों को ये पता भी होगा और कुछ दोस्तों को नहीं पता है, जिन्होंने मुझसे कहा तो मैं उन्हीं के कहने पे ये वीडियो आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए, आपने देखा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें दो ही है और इसमें तीन है, तो दो वाले देखते आप पहचान जाइए कि इसकी बॉडी जो है वो फाइबर की है। ठीक है, और तीन वाले को देखते ही पहचान जाइए आप कि इसकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं उसमें मेटल है। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या होता है, तीसरा पिन जो होता है उसके बॉडी से, किसी भी डिवाइस के बॉडी से होता है। ठीक है, बॉडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये बॉडी से कनेक्टेड होता है ताकि कभी आपके डिवाइस के बॉडी में करंट आए तो वो इसके माध्यम से, इस पिन के माध्यम से अर्थिर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो जब टॉप आप इस तरह पकड़ेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे अर्थिर यानी ग्रीन वायर, ठीक है, ग्रीन, और ये आपके राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड रेड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक, ब्लैक वायर कनेक्शन करना है। ठीक है, तो कनेक्शन ऐसे आप समझ गए होंगे, पर मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूं। सबसे इधर राइट साइड में आपको रेड का कनेक्शन करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड रेड, लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से फेज हमेशा राइट साइड होता है। ठीक है, जिसका आप लेफ्ट, एसी है, आप सोच रहे होंगे भाई एसी है तो फिर लेफ्ट राइट क्या, किधर भी कर देंगे तो काम चलेगा, आपका डिवाइस वर्क करेगा, लेकिन वो जो रूल है बना हुआ है उसको फॉलो नहीं करेगा। देखिए, ठीक है, उसके बाद यहां से जो वायर सपोर्ट के लिए लगाता है आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन आप कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए, रेड ग्रीन और ब्लैक। गलती से अगर आप ये ग्रीन वायर यहां लगा देंगे रेड की जगह पे, तो यहां पे तो फेज आता है बोर्ड में, और इसी फेज से आपकी बॉडी में, पूरे बॉडी में फेज दौड़ने लगेगा, जो कि काफी घातक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यही बताना था। आप देख रहे थे गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।